हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनी फार्मर में। और आज एक शॉर्ट वीडियो बनानी है आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए, सभी के लिए। ये देखो, ये हमारी पौधा है अभी 238 का। इसकी मार्च की स्टार्टिंग में बुआई करी थी। आप इसकी ग्रोथ देखो, ग्रोथ बहुत अच्छी है, कोई कीड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो पूरा हमारा ये 20 बीघे का चक है। आप देखो पूरे की ग्रोथ देखो, आप गन्ने की, ये देखो बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ दवाइयाँ नहीं डाली हैं। दवाई डाली थी हमने, एक स्टार्टिंग में डाली थी इसमें, ये बायर का आता है ये सिपेल, ये देखो बायर कंपनी का है सिपेल। ये एक पैकेट 2.5 बीघे के लिए है और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। आप इसे यूज़ करो। इसके साथ 5 kg DAP प्रति बीघा और 1 kg प्रति बीघा सल्फर। आप ये तीन चीज़ लो और आप फिर इसमें रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट देखो कितना बढ़िया है। देखो दुकान वाले तो आपको बोलेंगे जी आजकल गन्ना स्पेशल आ रहा है, ये ले लो, इसके साथ साइपर मैथ्रीन, क्रोनोपायरिफॉस, दुनिया भरे के आपको कीटनाशक बता देंगे, दुनिया भरे के आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बता देंगे खेतों के लिए। लेकिन ये लोग हमारी ज़मीन को सुधारने की बजाय और उसकी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। खेत को कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता नहीं है, सिर्फ हम लोग इन्हीं चीज़ों पर निर्भर होते जा रहे हैं तो खेत की जो उर्वरकता है वो कम होती जा रही है। हमने इस खेत में एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें शुरुआत में जो हमारा गोबर की खाद होती है वो डाला था पूरे खेत में, अच्छे से जुताई की थी बढ़िया। बुआई के टाइम हमने कोई इसमें दवाई नहीं डाली। शुरुआत में ही हमने इसमें एक साइपर मैथ्रीन का स्प्रे किया था क्योंकि वो पारिला आ रहा था। हालांकि उसका कुछ ज़्यादा दिन असर नहीं रहा, सिर्फ 10-15 दिन के लिए वो हटा था, अब भी असर है उसका। और अब हमने ये सिपेल डाला है, बाकी हमने इसमें कोई दवाई नहीं डाली। तो किसान भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखो, दुकान वाले आपको ठगने की चांस में रहते हैं, सिर्फ इन्हें सिर्फ अपना रुपया बनाना है। आप लोग जागरूक हों और अपनी जमीन